आज देश भर में बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ भी श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। इसी कड़ी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव दयालपुर में बैसाखी और नवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। त्रिलोकपुर से लाई गई माँ की अखंड ज्योत के गांव में प्रवेश करते ही ग्रामीणों ने नतमस्तक होकर माँ की ज्योत का स्वागत किया और अगुवाई करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए बाणगंगा के तट पर स्थित माता रानी के मंदिर में ज्योत को श्रद्धा भाव से स्थापित करवाया। यहां बता दें कि बैसाखी के पर्व पर पिछले कई वर्षों से बाणगंगा के तट पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, भंडारों का आयोजन किया जाता है, लोग बाणगंगा में पवित्र स्नान करते हैं, भंडारों का आयोजन करते हैं। परंतु वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जहां बीते वर्ष विद्यालपुर में स्थित बाणगंगा पर हर वर्ष की तरह भव्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका, वहीं इस बार भी कोरोना के फैलते प्रकोप को चलते बाणगंगा पर भव्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका। मात्र कुछ बच्चे ही आज बाणगंगा में स्नान करते दिखाई दिए। श्रद्धालुओं ने बताया कि आगामी 25 अप्रैल को दयालपुर में बाणगंगा के तट पर माता रानी का जागरण आयोजित किया जाएगा और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। आपको जय माता दी, आप सबको, ग्राम वासियों को, पूरे हरियाणा को जय माँ बाला सुंदरी। हमारे गांव में जैसे बैसाखी से पहले जागरण होता है माँ भगवती का, तो हर साल ऐसे ही होता है, लेकिन आज कुछ अलग बात है क्योंकि माता बाला सुंदरी की त्रिलोक पर से ज्योत आई है और ज्योत की आज मतलब जैसे गांव में फेरी करने के बाद मंदिर में स्थापन हो रही है, उसके बाद शोभा यात्रा के बाद उसके बाद अब 25 को जागरण होएगा और जागरण के बाद 26 को भंडार होएगा। इसलिए माँ भगवती की जो ज्योत आई उसका हमें बहुत खुशी है और इसकी हम मतलब तय दिल से गांव वाले रल मिल के बिल्कुल बहुत जोर ला के खुशी से इसकी स्थापना कर रहे हैं। माँ भगवती सबकी इच्छा पूरी करे। जय माता की, जय माँ बाला सुंदरी, जय माँ भद्रकाली। मैं सभी गाँव वासियों की तरफ से आप सभी को, जितने भी मेरे देशवासी सुनेंगे मेरी आवाज़, सबको आमंत्रित करती हूँ माँ भगवती के जागरण। जय माता दी, मैया रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सबको सबके घर में सुख शांति बना के रखे। जय माता। खबर नामा हरियाणा के लिए हरी चनालिया की रिपोर्ट।